उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के गदरपुर विधानसभा के अंतर्गत प्राथमिक उच्चतर विद्यालय कोपा बसंत के बूथ नंबर 15 पर ग्रामीणों ने वोट डालने को लेकर बहिष्कार किया। तहसील प्रशासन मतदाताओं को समझाने में लग रहा है। गदरपुर विधानसभा की राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोपा बसंत बूथ नंबर 15 जो कि हरिपुरा जलाशय से के अंदर है, जहां पर महिला व पुरुष वोटरों की संख्या 831 है। आज प्रातः जैसे ही मतदान प्रक्रिया शुरू हुई तो पूरे ग्रामीणों ने मतदान को लेकर बहिष्कार शुरू कर दिया। ग्रामीणों के बहिष्कार को देखते हुए चुनाव प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। ग्रामीण मतदाता रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाने लगे। ग्रामीणों ने प्रशासन पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए बताया कि जब जब चुनाव आते हैं शासन में बैठे लोग ग्रामीणों को लुभाने के सपने दिखाते हैं और वादे करते हैं जो कभी पूरे नहीं होते हैं। बबली देवी मटोलिया है, मैं यहाँ बचपन से ही रहती हूँ। क्या कहते हैं, आज इस वोट देने का ये मुख्य कारण है कि यहाँ हमारे लिए रोड नहीं है, हमें बहुत सारी परेशानी हो रही है। हमारा हमारे परिवार दो परिवारों में बट गए हैं, कुछ दाम बाहर रह रहे हैं, कुछ दाम अंदर रह रहे हैं। पढ़ने बच्चों को यहाँ से पढ़ने के लिए दाम बाहर जाना पड़ता है, आने जाने में परेशानी होती है। हमें यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे मुख्य कारण हमारा रोड का है, पहले हमें रोड चाहिए तभी हम वोट देंगे। क्या अभी प्रशासन आपकी मांगे नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे? हम वोट ही नहीं देंगे, हम कभी वोट नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे। भले हमारा वोट कट जाए मगर हम वोट नहीं देंगे। हमारी मेरा है, मैं कोपा मुंसई का रहने वाला हूँ। यहाँ समस्या ही समस्या है। पहले तो हमें गाँव वाले ने आवाज उठा रोड नहीं तो वोट नहीं। और यहाँ हमारे बहन बेटी के साथ ही रिश्ता आता है तो रोड की वजह से मना हो जाता है। बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पाते हैं। और जो नेता लोग आते हैं लेपा पोती करके चले जाते हैं, मैं रोड में बनाऊंगा, हो जाएगा, बन जाएगा। अब 5-3 साल तो मंत्री जी को हो गए यहाँ विधायक रहते हुए, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। हमारा मकसद ये है कि रोड नहीं है तो वोट नहीं। तो आज पूरा बहिष्कार कर रहे हैं आप वोटों का? गांव वाले बहिष्कार, पूरे गाँव वालों का है बहिष्कार कर रहे हैं कि रोड नहीं है तो वोट नहीं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।